निरक्षरों के भाग में रहती है लाचारी, भूख गरीबी मजबूरी आंसू और बीमारी फल लेके आओ, ऊपर से तू मुझे बंदर कहती है। तो सेब फल बढ़ के पेड़ से? अरे मैंने इस पेड़ पर से थोड़ी तोड़े हैं। तो क्या आसमान से टपके हैं? बताता हूँ। मैं खास तेरे लिए लाया हूँ शहर से। अच्छा हाँ। तू कितना अच्छा है, मेरा कितना ध्यान रखता है। अच्छा ये बता, ये सेब फल खट्टे तो नहीं है? नहीं बोली, केरिया खट्टी हो सकती है लेकिन सेब फल खट्टे नहीं। मैं एक एक सेब फल चक्कर लाया हूँ, एकदम मीठे हैं सेहत की तरह। क्या कहा तू, ये सेब फल चक्कर लाया है? ये झूठे सेब फल खिलाना किसी गधी को, समझा? इसीलिए तो लाया हूँ। क्या कहा, मैं तो चली मगर कहा। धमक डुम डुम धड़कती मारे, धमक डुम डुम धमक डुम डुम धड़कती मारे, शुभ दिन आयो रे, देखो शुभ दिन आयो रे, खुशिया रे लायो ये शुभ दिन, मस्ती भी लायो ये शुभ दिन, खुशिया रे लायो ये शुभ दिन,
मस्ती भी लायो ये शुभ दिन मैं अलबेला ना है जिवला मेरा नाम मैं हूँ नटराज मैं हूँ नटराज खोलो आँख और कान लगाओ ध्यान मजे की है ये कहानी अरे ओ भुरली सुन तो कहाँ चली अरे भुरली कहाँ चली गांव की पाठशाला में अरे वाह तू पाठशाला कब से जाने लगी आज सुंदरलाल के सम्मान का कार्यक्रम है दत्त तेरे की ये बात तो मैं भूल ही गया था मुझे भी तो उस कार्यक्रम में जाना है मैं भी तेरे साथ आता हूँ कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम सुनेंगे बालगान और उसका नृत्य देखेंगे नहीं है जिसको अक्षर ज्ञान व मानव है अंध समान नहीं है जिसको अक्षर ज्ञान व मानव है अंध समान जिस मानव के जीवन में विद्या दीपक जलता है जिस मानव के जीवन में विद्या दीपक जलता है उसके उजियारे में उसको सच्चा रास्ता दिखता है उसके उजियारे में उसको सच्चा रास्ता दिखता है विद्या है ऐसा वरदान पाए जो भी बने माँ विद्या है ऐसा वरदान पाए जो भी बने माँ नहीं है जिसको अक्षर ज्ञान वह मानव है अंध समान नहीं है जिसको अक्षर ज्ञान वह मानव है अंध समान 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 मित्रों ये वही जगह है वही घटना स्थल है जहाँ सुंदरलाल के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई थी हम जानते हैं कि सभ्यता की शुरुआत लिखने पढ़ने से होती है और कहा भी गया है कि कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो इस आदिवासी क्षेत्र में हमारे सुंदरलाल ने वो सुंदर काम किया है जिसको बहुत ज़रूरत रहती है जिसकी हम अपने ज़िले के जिलाधीश महोदय को अनुरोध करेंगे कि वो श्री सुंदरलाल जी का सम्मान करें माल्यार्पण के द्वारा देख लेना एक दिन मेरा भी ऐसे ही सम्मान होगा ऐसा क्या और अखबारों में मेरी ये बड़ी बड़ी फोटो भी छपे अखबार वाले तेरी फोटो नहीं छापेंगे क्यों अखबार वाले मेरी फोटो क्यों नहीं छापेंगे
तेरी फोटो बच्चे देखेंगे तो डर जाएंगे। देख बुरली, तू मेरा मजाक मत उड़ा। मैं भी सुंदर लाल की तरह लोगों में अक्षर ज्ञान बांटना चाहता हूँ। बस एक मौका मिल जाए। मौके मिलते नहीं, मौकों को ढूंढना पड़ता है, समझे? जैसे कि सुंदरलाल ने ढूंढ निकाला। ऐसा क्या? लेकिन ये बात मेरी खोपड़ी में पहले क्यों नहीं आई? अरे सुंदरलाल जी, राम राम। राम राम। मेरा नाम दिनेश है, मैं जागृति अखबार का रिपोर्टर हूँ। तो मैं अपने अखबार के लिए आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। इंटरव्यू? हाँ, और अपने अखबार के लिए, मतलब कि मेरे अखबार के लिए मैं आपके बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ। ठीक है। तो सुंदरलाल जी, निरक्षर लोगों को पढ़ाने की प्रेरणा आपके मन में किस प्रकार जागी? मुझे बचपन से ही पढ़ने का शौक था, लेकिन मेरे बापू शराब में ही डूबे रहते थे। रोटी बनाने के लिए उन्हें बना लेके तो हम करे तो रोटो खाने के लिए रोटो लगा जैसे तैसे करके चौथी कक्षा तक पढ़ाई की, मुझे स्कूल छोड़नी पड़ी। क्यों, क्या हो गया था? एक दिन शाम को खेलते खेलते घर पहुंचा तो पता चला कि बापू का खून हो गया है। और जिंदगी के खेल भी निराले हैं। मुझे बचपन से ही भैंस चराने का काम करना पड़ा। यह तो होना ही था। हाँ, फिर भी किसी तरह मैं पढ़ता रहा। वह कैसे? मैं जब भी भैंसे चराने जाता था ना, तब अपने साथ कहानियां की पुस्तकें ले जाया करता था और उसे पढ़ता था। और एक दिन तू इतना घबराया हुआ क्यों है? सुंदरलाल, वो तेरी भैंस पटेलवा के खेत में घुस गई है। क्या कहा? अरे तेरी भैंस तो यही है। ये भैंस तेरी नहीं है, तेरी भैंस तो पटेलवा के खेत में है। तेरी भैंस पटेलवा के खेत में? हाँ, अब जल्दी से चल वरना पटेलवा तेरी हड्डी पसली तोड़ देगा। और कहाँ जा रहा है? पटेलवा, वो भैंस। भैंस? ये तेरे बाप का खेत है जो यहाँ पर भैंस चराने के लिए छोड़ दी तूने? वो खुदा गई। बहुत साना बन रहा है, दूंगा एक झापड़ खींच के। पटेलवा, मैं सच कह रहा हूँ, वो अपने आप आ गई। उसमें मेरी गलती नहीं है, उसकी है। गवार है ना? भैंस भी तो तेरी है ना, इसकी सजा भी तुझे मिलेगी। पटेलवा, एक बार माफ कर दो पटेलवा, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। इस बार जाने दो, मैं उसे समझाऊंगा। हाँ, तेरी भैंस मेरा खेत साफ करे और मैं तुझे माफ कर दूं। सुंदरलाल, मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा
कि तू जिंदगी भर याद रखेगा, जिंदगी भर याद रखेगा तू। ये आपके वर्ग में एक भी लड़की क्यों नहीं दिखाई देती? इसमें मैं क्या करूं? मैं तो जो भी आएगा उसको बढ़ाऊंगा। आगे इस गांव के मुरब्बी लोग आए हैं, आप उन्हीं से पूछिए। आप लोग आपके गांव की लड़कियों को स्कूल में पढ़ने क्यों नहीं भेजते? जरूरत क्या है? हाँ, और लड़कियों को बाहर भेजे ही क्यों? रोको! चाचा की बात सही है, क्योंकि पढ़ाई की जरूरत है। कौन है ये सोरा? राम राम सर। हाँ राम राम। ये वो जसवंत का सोरा है, सुंदर। सब मिलकर बोले। इसने बांधा इसे यहाँ पर। पटेल ने? इसकी भैंस पटेल के खेत में चली गई तो उसने उसको सजा दे दी। सजा देने के लिए पटेल को एक यही जगह मिली थी। नीचे उतारो इसे। अरे भाई, उतारो भाई, चलो 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 जल्दी, उधर उतारो इसे, नीचे उतारो। पढ़ना लिखना बोलना सीखो, बाहर देखो भाई बाहर देखो। ये पटेल के बच्चे में जरा सी भी अकल नहीं है। कोई सरकारी अफसर यहाँ पर आ गया ना तो उसके साथ साथ मेरी भी मुश्किलें बढ़ा देगा। साक्षरता अभियान अंतर्गत एक नाटक अब प्रस्तुत है। साक्षरता का संदेश देता हुआ एक मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम। कर पाऊंगा? हाँ, मैं ये जरूर करूंगा। मैं अपने गांव के अनपढ़ लोगों को जरूर पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा। काका, हो गया मुका का। क्या बात है? काका, तुमको पढ़ना आता है? क्यों? वो क्या है ना काका, कि अगर तुम पढ़ना चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। वाह, आजकल के छोरों का जवाब नहीं। अरे दो चोपड़ी क्या पढ़ ली, अपने आप को पंडित समझने लगा। अरे मास्टर है क्या? दो भित्ती का छोरा मुझे पढ़ाएगा? काका मेरी बात तो सुनो। देख सुंदर, मेरे पास तेरी फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है, मैं तो चला। काका
राम राम भीखू काका। राम राम, राम राम सुंदरलाल। क्या बात है काका, आप कहाँ से आ रहे हो? अरे आ नहीं रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ, शहर जा रहा हूँ। तुझे कुछ मंगवाना क्या? अब नहीं काका, मुझे तो सिर्फ इतना पूछना है कि कौन शहर की बस कौन सी है, इसका पता आपको कैसे चलता है? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? अरे इतने सालों से शहर जाता हूँ, इसलिए अब तो मैं दूर से ही बस पहचान लेता हूँ। अब मान लो कि पुरानी बस बदल जाए तो तुम शहर की बस को पहचान लोगे? ये भी कोई बात हुई? अरे जब बस ही बदल जाएगी तो भला मैं पहचानूंगा कैसे? क्यों नहीं पहचानोगे, कौन सी बस कहाँ जाती है ये तो हर बस पे लिखा होता है। अरे वो मैं कहाँ पढ़ा लिखा हूँ भाई, वो तो जो पढ़ना जानता हो उसे पता चले, मुझे तो किसी से पूछना पड़ेगा। अगर काका तुम पढ़ना सीख लो तो तुम्हें किसी से ना पूछना पड़े, ठीक? हाँ ये बात तो है, मगर बेटा सुंदर ये पढ़ाई की झंझट करने से तो किसी से पूछना ज्यादा आसान है। मगर काका कभी ऐसा भी हो सकता है कि पूछने के लिए कोई आदमी ही ना मिले, और मिले भी तो क्या पता वो सच ही बताएगा, इसीलिए पढ़ना आता हो तो बहुत जगह काम आ सकता है। देख बेटा सुंदर, मेरा काम है मजदूरी, मुझे पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, मुझे शहर जाना है मैं तो चलता हूँ। काका सुंदरलाल अंधों को रास्ता दिखाना चाहता है, पर लोग उसकी उंगली को पकड़ने को तैयार ही नहीं, तो बेचारा वो क्या करेगा? देख वो रामूड़ी काकी के घर जा रहा है, चलो हम भी चलकर देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। हाँ चलते हैं, पर जेवला गन्ना छिल देना। वाह 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 वाह, गन्ना खाए तू और छिलू मैं, वो भी मुफ्त में? मुफ्त में क्यों, देख तू ये गन्ना छिलेगा तो इसके छिलके का स्वाद तो तेरे मुंह में जाएगा ना फिर। वाह बुरली वाह, कोई काम निकालने का तरीका सीखे तो तुझसे सीखे, ला छिल लेता हूँ गन्ना। जेवला ये तो गन्ना खा रहा है, मैंने तुझे छिलने के लिए कहा तो। देख मुझे गन्ना छिलने में इतना स्वाद आया, मैंने सोचा छिलू क्यों, खा डालता। ला मेरा गन्ना दे। अरे मुन्नी, अरे मुन्नी, अरे मेरी बात को सुन। अरे आ तो सही। अरे घर पे बहुत सारा काम रखा है। अरे अरे थोड़ी देर बैठेंगे। कांता मैं तेरे को इतनी बुलाती फिर भी नहीं आती, वो तू तो। अरे घर बहुत सारा काम रखा पर हुआ क्या? अब क्या बताऊं वो तेरे को, मैं तू बैठ तो सही। ये हमारा किशन का बाप है कि नहीं? वो कल बाजार गया था, वो 200 रुपया लेके गया, फिर भी सामान नहीं लाया पूरा वो, और क्या कहता ऐसा मेरे को पैसों के मारे घोटाला करता है कि कहीं समझ में नहीं आती। तो तूने हिसाब नहीं मांगा? मांगा था वो हिसाब, और क्या कहता कि कोई मैं पढ़ा लिखा थोड़ी हूँ जो तेरे हर चीज का हिसाब याद रखूं। तो तू खुद हिसाब कर लेती? ये पढ़ मेरे को कहाँ आता वो हिसाब करते। अरे ये गत तो मेरी है, मुझे भी कौन सा हिसाब करना आता है, और अनाप शनाप खर्च करने में मेरा घर वाला भी कम थोड़े ही है। राम राम। ओह राम राम बेटा, राम राम। किस चीज का हिसाब करना है मौसी? बेटा क्या बताएं, हमारे घर वाले है कि नहीं, हमेशा हिसाब किताब में गड़बड़ी करते हैं, और हमको तो हिसाब करते तो आता ही नहीं। ए सुंदरलाल तू हमारा हिसाब कर देना बेटा। मौसी आज तो मैं हिसाब कर दूंगा, मगर जरा सोचो ये तकलीफ तो हमेशा की है। तो क्या करे भैया,
हम तो ठहरे अनपढ़ गवार, अब पढ़ना लिखना तो हमको आता नहीं। ए बेटा सुंदरलाल, तू हमारा हिसाब कर दिया करना ने? ना काकी ना, तुम खुद हिसाब करना सीख लो। अब मैं हिसाब करने के लिए कहाँ जाऊँ? देखो काकी, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। तुम चाहो तो मैं तुम लोगों को पढ़ना लिखना और हिसाब करना सिखा सकता हूँ। देख बेटा सुंदरलाल, अब इस उम्र में मैं छोपड़ी लेकर बैठूंगी, लोग तो मेरी हंसी उड़ाएंगे। ए कांता मौसी, तुम तो पढ़ोगी ना? अरे ना रे, ऐसी बात सुन के भी मेरे को तो शर्म आती है। क्या कहती हो मौसी, पढ़ने में भला शर्म कैसी? देख सुंदरलाल, हर काम की कोई उम्र होती है, और इस उम्र में अब हम क्या पढ़ेंगे? देखो चलो पढ़ने को कह रहा हूँ। देखा भूले क्या, बड़ी उम्र के लोगों को पढ़ने में कितनी शर्म आती है। हाँ, इन लोगों को जीवन भर निरक्षर रहकर कदम कदम पर ठोकर खाने में शर्म नहीं आती, लेकिन पढ़ने में शर्म आती है। तो भूरली। हाँ। धमक डुम डुम, धमक डुम डुम, धड़क दिमारे। सुनने की जब बात आए तो झूठी शर्म न करना, तोड़ के सारे झूठे बंधन दिल लगा कर पढ़ना। हाँ हाँ दिल लगा कर पढ़ना, हो हो दिल लगा कर पढ़ना। हाँ हाँ दिल लगा कर पढ़ना। डुम डमक डुम डुम, धुम धमक धुम धुम, धमक धुम धुम, धड़क दिमारे। धुम धमक धुम धुम, धमक धुम धुम, धड़क दिमारे। धुमक धुमक धुम, धड़क दिमारे। धुमक धुमक धुम, धड़क दिमारे। शिक्षा रूपी सूरज से मानव की किस्मत चमके, विद्या रूपी फूलों से जीवन